नमस्कार, मैं हूं मन मोहित और आप देख रहे हैं प्रेस वार्ता। एक नजर की खास रिपोर्ट। अगर बाजपन का कोई इशू है तो अब इसका तमाम समाधान हो जाएंगे और घरों में किलकारियां भी गूंजेगी। जी हाँ दोस्तों, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं स्पर्श हॉस्पिटल में हूं जो IVF की सेवाएं दे रहे हैं। इसको लेकर तमाम चर्चा करेंगे। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ हैं। अब मैडम पहले ये जानना चाहेंगे बेसिकली IVF होता क्या है। IVF के अंदर हम टीका बना के डालते हैं। इसका आजकल और भी अच्छा इनोवेशन आया है जिसे ICSI के नाम से कहते हैं। उसमें एक अंडा और एक शुक्राणु से बच्चा बना के एम्ब्रियो बना के लेडीज़ के गर्भ के अंदर डाला जाता है तीसरे दिन या पांचवें दिन। मैडम IVF की चर्चा हर जगह हो रही है, लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं, वजह क्या मानते हैं और कैसे घरों में किलकारियाँ गूंज जाती हैं? ये आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से है। लोगों का फ्राइड फूड वगैरह खाना, बच्चे जल्दी ना करना, हम करियर पे ज़्यादा ध्यान देंगे, उस वजह से आजकल IVF का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इनफर्टिलिटी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। और स्पर्श हॉस्पिटल की बात करें तो इसकी शुरुआत कैसे हुई IVF में? हाँ जी, मैंने अपना IVF की फेलोशिप जयपुर से की थी 2016 में। उसके बाद मैं 2018 में सिरसा आई थी और 2019 में मैंने अपना IVF सेंटर, कम हमारा डिलीवरी वगैरह ऑपरेशन सारा कुछ करते हैं, और 2019 से हम अपनी सेवाएं लगातार दे रहे हैं। अब 2024 आ गया तो लगभग 5 साल हो गए। तो क्या पैकेज रहता है मैडम? सक्सेस रेशियो की बात करें तो कितना सक्सेस हो पाता है और कितनी बार ये करवाना पड़ता है? सक्सेस रेट डिपेंड करता है कि एक बार करवाया है, दो बार, तीन बार। तीन बारी में सक्सेस रेट लगभग आप मानिए 60-70% है। एक ही बार कोई पेशेंट कराता है तो 30% के आसपास है, और बाकी डिपेंड करता है। ICSI कराते हैं तो सक्सेस रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। ICSI का थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है। बाकी पैकेजेस हमारे यहाँ सबसे मिनिमम है सिरसा के अंदर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई लोग IVF को बहुत गलत समझते हैं, नई टेक्नोलॉजी है, लोग बेनिफिट्स ले रहे हैं। अभी हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की बात की जाए तो उनके परिवार में भी इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, क्या कुछ कहेंगे? 50 साल की उम्र तक एज हमारे ARTI प्रोटोकॉल के अंदर 50 साल की उम्र तक IVF कर सकते हैं, 50 के ऊपर नहीं कर सकते। सिद्धू मूसेवाला में हुआ सब कुछ बढ़िया, लेकिन 58 थी लेडीज़ की एज, जो हमारे इंडिया में अलाउड नहीं है। हमारे यहाँ 21 से 50 तक सबका IVF करते हैं। सबसे पहले मैडम, अलग अलग डॉक्टर्स हैं सिरसा के अंदर जो दवाइयों के बड़े बड़े दावे करते हैं कि आपकी ये शारीरिक समस्या तो ये समाधान हो जाएगा। क्या एक्चुअल में उस तरह के मेडिसिन को बेनिफिट मिलता है? और IVF की बात करें तो, कंपैरिजन की बात करें तो कितना बेनिफिट्स है? हर पेशेंट अलग तरीके का होता है। ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं तो ही IVF होता है, वरना मेडिसिन से भी समाधान हो सकता है। तो सबसे बड़ी वजह आप क्या मानते हैं क्यों इंडिया में IVF अब इतने स्तर पे बढ़ रहा है? और अगर आपके हॉस्पिटल की बात करें तो अब तक कितने केसेस आप हैंडल कर चुके हैं और उसके सक्सेस रेट की बात करें तो उसका सक्सेस रेट क्या रहा है? लगभग हम हैंडल कर चुके हैं अराउंड 80-90 पर ईयर जी। तो आप मानिए लगभग 300 के आसपास साइकिल्स, और सक्सेस रेट मैंने आपको जैसे बताया ओवरऑल 30% के आसपास। समय अवधि इसमें मैडम क्या रहती है? समय अवधि जैसे कि हमारे पास पेशेंट आता है, डिपेंड करता है, डे 2 ऑफ साइकिल पे आया है तो 15 दिन की मेडिसिंस देते हैं, अंडे वगैरह बना के, फिर टीका लगा के अंडे निकाल के 5वें दिन बच्चा डालते हैं, तो लगभग 15-20 डेज में पूरा प्रोसीजर हो जाता है। फिर 15 दिन की मेडिसिन दे के भेजते हैं, उसके बाद सीरम बीटा HCG नाम का टेस्ट होता है खून का, वो किया जाता है। IVF के अलावा बात की जाए तो स्पर्श हॉस्पिटल में और क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? स्पर्श हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, कंप्लीट OT थिएटर है जिसके अंदर हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी भी है और यूरोलॉजी की सर्विसेज भी हैं, और हिस्टरेक्टमी करते हैं हम, ओपन सर्जरी सारी करते हैं, तो हमारे पास सारा सर्जिकल है, मेडिकल भी है और IVF है, ये सारी सुविधाएँ हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। अमन डिलीवरीज की बात की जाए तो उसको लेके भी इंतजाम? डिलीवरी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हम प्रेफर करते हैं, लेकिन अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है, कोई और इंडिकेशन होता है जैसे बच्चा नहीं निकल पा रहा तो हम सिजेरियन करते हैं, उसकी सारी सुविधाएं हैं। मतलब प्रॉपर सब कुछ स्टाफ मेंटेन? बिल्कुल बिल्कुल, सारा स्टाफ मेंटेन्ड है, नर्सिंग स्टाफ है, कोई दिक्कत नहीं है। BAMS भी रखा हुआ है हमने, कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे आपसे कम्युनिकेशन किया जा रहा है, कोई कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिए ताकि जो भी लोग वीडियो को देख रहे हो आपसे सीधा कम्युनिकेशन कर पाएं? 9928481875 मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं सारी जानकारियों के लिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर आशीष गुप्ता है, हम स्पर्श अस्पताल एंड IVF सेंटर यहाँ चला रहे हैं जो कि पिछले 5 साल से सिरसा में वैसे चल रहा था। हमारी पिछली लोकेशन जो थी वो डब्बाली रोड सत्यम कॉम्प्लेक्स के अंदर थी। रिसेंटली हमने वहाँ से यहाँ पर अभी गांधी मार्केट में परशुराम चौक के पास डॉक्टर BR बिश्नोई वाली बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट किया है। तो जो सुविधाएं हम पहले दे रहे थे हमने उन सुविधाओं को और बढ़ाया है, जैसे कि पूरे सिरसा के अंदर 35 वॉट की लेज़र जो है सिर्फ हमारे पास है जो कि पथरी तोड़ने के अंदर काम आती है। इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी और किसी अस्पताल में अवेलेबल नहीं है।
दूसरा कि हमारी जो IVF लैब है वो भी जर्मन क्वालिटी की बनी हुई है, पूरे पैमानों पर खरी उतरती है और सभी सर्टिफिकेशन के साथ अथोराइज्ड IVF लैब है। हमारे जो डॉक्टर हैं, ऑनर हैं, डॉक्टर स्वाति गुप्ता, शी इज़ अ वेल नोन IVF स्पेशलिस्ट एंड वी आर डूइंग IVF फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 सालों में सैकड़ों दंपति हैं जिन्होंने हमसे इलाज लिया है और उन्होंने संतान सुख की प्राप्ति की है। इसके अलावा भी हम जनरल सर्जरी के भी सारे ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि हर्निया है, अपेंडिक्स है, पित्त की पथरी है, और हमारे अस्पताल के अंदर बहुत से कैशलेस TPA इंश्योरेंस भी अवेलेबल हैं, जैसे कि जिसमें प्रमुख HDFC अर्गो है, ICICI लोम्बार्ड है, SBI जनरल इंश्योरेंस है, और भी कई तरह के कैशलेस फैसिलिटीज़ हैं जो हमारे अस्पताल में अभी अवेलेबल है। इसके अलावा जो जनरल बीमारियाँ होती हैं, मौसमी बुखार है, खांसी जुकाम है, डेंगू मलेरिया, इस तरह की जो बीमारियाँ हैं उनका ट्रीटमेंट भी अस्पताल में सफलतापूर्वक कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे अस्पताल में बहुत ही जल्द अब आयुष्मान की फैसिलिटी भी आने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं उनका कैशलेस इलाज हो पाता है, तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में हम गाँव-गाँव में जाकर कैंपिंग करेंगे और लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करने का प्रयास भी करेंगे। तो हमारी तरफ से यही कोशिश रहेगी कि कोई भी व्यक्ति सिरसा या आसपास के रीजन का है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज़ की वजह से, पैसों की वजह से वंचित ना होना पड़े, उसे हम ए क्लास क्वालिटी और ट्रीटमेंट अपने अस्पताल में दे पाए। डॉक्टर साहब, कितने पेशेंट की कैपेसिटी आपके पास है? हमारे पास इस समय 19 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसके अंदर हमने अभी ICU भी रखा है, सर्जिकल ICU रखा है, वेंटिलेटर बेड रखा है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम है, सर्जिकल ICU है, और IVF के लिए अलग से डेडिकेटेड एरिया है, डिलीवरी और लेबर के लिए अलग से डेडिकेटेड एरिया है। आप प्रॉपर टीम है पूरी चीज़ को मैनेज कर? हर चीज़ के लिए हमारे पास प्रॉपर फैसिलिटी है, जैसे कि हमारा वर्ल्ड क्लास लेबर रूम अलग बना हुआ है, OT के अंदर भी हमारे पास 2 टेबल हैं, मॉड्यूलर OT बना हुआ है, IVF लैब के अंदर हमारा OT अलग है, और इमरजेंसी पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो रिसीविंग एरिया होता है वो अलग है, पूरी टीम है हमारे पास। मैनेजर के रूप में हमने BMS डॉक्टर्स भी रखे हैं, MOs भी रखे हैं, और स्टाफ भी है जो है वो GNM ट्रेंड स्टाफ है। तो बिल्कुल अब आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि IVF का बेहतर जो टेक्नोलॉजी है यहाँ है। इस वक्त मैं गांधी मार्केट में स्पर्श हॉस्पिटल में हूँ, जहाँ आपको ये तमाम सुविधाएं मिलेंगे और सक्सेस रेट हमने आपको बता दिए हैं, सबसे कम रेट में सिरसा में IVF हो रहा है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।